नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक चंद बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में चार उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 53 साल मक्के में गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 10 साल मदीने में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम, इब्राहिम और ताहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंगे अहद में शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्ल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीम के लिए हजरत अबी तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्र खोदी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को खाना खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, चाहे तुम्हारी उससे जान पहचान हो या ना हो। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो मुस्लिम भाई के साथ ताल्लुकात को 3 दिन से ज्यादा खराब रखे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक नौजवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी आँख की ठंडक नमाज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मफहूम है, मैं इल्म का शहर हूँ। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इसकी बुनियाद, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इसकी दीवार, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इसकी छत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इसका दरवाजा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे से देखते थे वैसे ही पीछे से देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होते थे वो कभी भी बिदक कर नहीं भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में लुआबे दहन डाल देते वो मीठा हो जाता था। An Islamic sound presentation.